हेलो दोस्तों, आज हम जीएस के 20 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है। अब तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जीन्स की संख्या कितनी होती है? 97 अरब, 97 अरब मनुष्य में जीन्स की संख्या होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है? शरीर में 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, चेहरे की अस्थियाँ कितनी होती हैं? चेहरे की 14 अस्थियाँ होती हैं, हमारे चेहरे में 14 अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है, 22 फीट। अगला क्वेश्चन है, मानव की हथेली में अस्थियों की संख्या होती है 14। अगला क्वेश्चन है, पंजे की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? पंजा यानी कि हाथ में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 5, ये 5 उंगलियाँ होती हैं, इन्हें अस्थियाँ बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? 22 लीटर, शरीर में पानी की मात्रा 22 लीटर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय क्या होता है? यानी कि हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय 0.8 सेकेंड का समय होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक सांस में खींची गई वायु होती है, एक सांस में खींची गई वायु 500 mm होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रियोन होता है। अगला क्वेश्चन आता है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस, याद रखना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। दोस्तों, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पौधे के किस हिस्से से कपास फाइबर प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है, बीज द्वारा प्राप्त किया जाता है कपास। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।